हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा है आप सबकी जिंदगी में। और गाइस, आज हम जा रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया चंडीगढ़ एल्काज़ार चलाने, जो कि थोड़े दिन पहले ही लॉन्च हुई है और आपने यार रिव्यूज वगैरह की वीडियोस तो देख ली होगी। तो ये वाली वीडियो में हम चलाने वाले एल्काज़ार, मतलब ड्राइविंग एक्सपीरियंस में आपसे शेयर करूंगा। अभी मेरी बात हुई है जोशी हुंडई जा रहे हैं हम, कि भाई ऐसे ऐसे हमें चलानी है, टेस्ट ड्राइव लेनी है, तो वो कहते हैं आ जाओ जी टेस्ट ड्राइव ले लो। और यार चैनल ना देखो बहुत अभी छोटा है, होपफुली भगवान की दया से और आप सब भाइयों के सपोर्ट से एक दिन हमारा चैनल भी बहुत अच्छा ग्रो करेगा। तो शोरूम्स वगैरह के खुद ही को लाएंगे रिव्यूज के लिए, बट अभी एज सच हम पे कुछ सोर्स वगैरह नहीं था तो हमने इसलिए रिव्यू वगैरह नहीं डाला एल्काज़ार का। बट आज की वीडियो में आप देखोगे ड्राइविंग एक्सपीरियंस, हम एल्काज़ार चलाएंगे, टॉप मॉडल चलाएंगे, अभी जा रहे हैं, बस पहुंचने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें। और वीडियो के बीच में जैसे लास्ट वीडियो में मैंने करा था, मैं शाउट आउट के विनर्स के नेम अनाउंस करूंगा। फिलहाल हम चंडीगढ़ एंटर कर ही रहे हैं, इधर बहुत रिस्ट्रिक्शन है, हम रिकॉर्डिंग भी बंद कर देते हैं, इधर पता ही नहीं चलता कब चलान कट जाता है। एक बार इन्हें पोल्स दिखा दे भाई ये वाले सामने, इधर गाइस ऐसे ऐसे बोलना हर मोड पे इंस्टॉल्ड है, मतलब हर लाइट्स पे, और भाई एक पोल पे पांच पांच कैमरा, इतनी गंदी रिस्ट्रिक्शन है ना चंडीगढ़ में, और चलान सीधा घर ही आता है भाई। तो चलो चलते हैं हुंडई के शोरूम। तो भाई अभी फिलहाल ना आ चुके हैं हम हुंडई के शोरूम में, और ये है टॉप मॉडल, सिग्नेचर मॉडल जिसे कहते हैं, और देख लो आप अभी इंटीरियर वगैरह। तो अभी टेस्ट ड्राइव हमारी बुक हो रही है, तो अभी टेस्ट ड्राइव पे चलते हैं, इसे चला के देखते हैं। अभी तक ना मुझे जो सबसे बढ़िया लगा ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका, ओ भाई अमेजिंग। और अब तो डीजल में भी आ चुके हैं ये पैडल शिफ्टर्स। वैसे ना इधर से तो पूरी क्रेटा SX ऑप्शनली लग रही है, स्क्रीन भी वही है, सनरूफ वगैरह भी वही है, बट वही है 7 सीटर आ चुकी है ये वाली 6 सीटर है, मतलब पीछे 2 कैप्टन सीट्स हैं इसमें। तो अब ना चलते हैं टेस्ट ड्राइव लेने। तो भाई आ चुके हैं एल्काज़ार के अंदर, जिसमें आता है वही सेम क्रेटा वाला डीजल इंजन, जो कि होता है 1500 cc का, 113 bhp और 250 Nm की टॉर्क प्रोवाइड करता है। और ये आप देख लो इसमें ना 360 कैमरा है, जो कि यार वैसे किया की ना GT लाइन वाले वेरिएंट्स में भी आता ही है, एंड सेम किया की तरह इसमें भी वो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ना कैमरा ऑन आ जाता है, मतलब स्क्रीन आ जाएगी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे जब हम इंडिकेटर देंगे। तो भाई फिलहाल हम चलते हैं शोरूम से बाहर, रिवर्स करते हैं कार को, और ये जो मैं कार चला रहा हूँ ये ना 6 सीटर वाला वेरिएंट है, पीछे तो भाई बच्चे मुश्किल से बैठेंगे। और आप स्टेयरिंग देखो बिल्कुल डिट्टो एग्जैक्ट क्रेटा वाला, इन्फोटेनमेंट स्क्रीन वो भी डिट्टो क्रेटा वाली है, बस इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट में ना पेडल शिफ्टर्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं, जो कि ना क्रेटा के टर्बो वेरिएंट में मिलते हैं, इसमें भाई कोई टर्बो टर्बो नहीं है जो एल्काज़ार है। और ये 360 कैमरा भी आप एक बार देख लो, और जो इन्फोटेनमेंट स्क्रीन है ना वो अंदर जो आप फंक्शंस वगैरह देखो वो भी लगभग ना बिल्कुल क्रेटा SX ऑप्शनल वाले ही है इसमें, क्योंकि एयर प्योरीफायर का आ जाता है। तो भाई अब बात करते हैं जो मुझे सबसे बढ़िया इस कार में लगा, जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा, वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इतना प्रीमियम फील होता है ये, और से तो बिल्कुल अलग है ही ये, बट जो स्टीयरिंग कंट्रोल्स है ना वो बिल्कुल सेम है और ऑपरेशन उनका वैसे ही होता है। इसमें हमें ना 4 थीम ऑप्शन मिल जाते हैं, और भाई चारों के चारों ना बहुत ही प्रीमियम फील देते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगते हैं, मतलब इस कार में ना मुझे अभी तक ये बहुत सबसे बढ़िया मतलब यही लगा है। अब हम बात करते हैं एल्काज़ार के सनरूफ की, जो कि बिल्कुल डिट्टो है क्रेटा की तरह, मतलब सेम साइज है, कोई भाई सनरूफ वगैरह बड़ी नहीं करी है, पैनोरामिक सनरूफ डिट्टो वही है। एंड गाइस अब ना मैंने इसे ऑटोमेटिक को हटा के मैनुअल मोड में डाला है, ताकि मैं इसके जो पेडल शिफ्टर्स है वो यूज कर पाऊँ, क्योंकि यार देखो ऑटोमेटिक में ना वो पंचीनेस सी बिल्कुल फील नहीं हुई मेरे को, बट जब मैंने पेडल शिफ्टर से चलाई तो यार अपने ऊपर कंट्रोल आ जाते जब गियर हमें चेंज करना है, तो उस वक्त नो डाउट पंचीनेस फील हुई, मतलब वो जर्क सा जो डीजल इंजन का होता है वो आया। पर वो ये इसमें ना जो ट्रैक्शन कंट्रोल्स, मतलब अलग अलग मोड वगैरह भी आते हैं कि इको में लगा लो, कंफर्ट में लगा लो, स्पोर्ट में लगा लो, इस वक्त हम चला रहे हैं कंफर्ट में। सो गाइस आज के शाउट आउट के विनर हैं सोहम अरोड़ा जी, थैंक यू सो मच, आप बहुत पहले से हमारे चैनल पे कमेंट वगैरह करते हैं, मैंने आपका कमेंट बहुत बार नोट करा है, सो थैंक यू सो मच अगेन, ऐसी चैनल को सपोर्ट करते रहें। और अब बात करते हैं वापस कार के फीचर्स वगैरह पे। पीछे जैसे मैंने आपको बताया 6 सीटर है, बीच में आर्मरेस्ट आ जाती है जिसमें अच्छा खासा स्पेस है, और आगे वायरलेस चार्जिंग तो है ही, बट पीछे आर्मरेस्ट के नीचे भी वायरलेस चार्जिंग है, और कप होल्डर भी हमें मिल जाता है। एंड गाइस वीडियो में ना एंड तक बने रहना, क्योंकि एंड में ना मैं इस वीडियो को बिल्कुल कंक्लूड करूंगा, आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझ आ जाएगा कि एल्काज़ार आपको लेनी चाहिए या फिर सफारी तो नहीं लेनी चाहिए आपको, तो वीडियो में बने रहें। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ इसके ब्लाइंड्स, जो कि बिल्कुल वही क्रेटा वाले ही आते हैं, किया सेल्टोस में भी होते हैं, पीछे इसका कोई ब्लाइंड वगैरह नहीं है, बट साइड में ब्लाइंड्स मिल जाते हैं, पीछे भी देने चाहिए यार, क्रेटा में भी देने चाहिए, वरना में पीछे दे देते हैं साइड में ही देते हैं, पता ही नहीं हुंडई का क्या है क्या नहीं। एंड भाई बिल्कुल स्टेयरिंग की फील भी ना डिट्टो क्रेटा वाली ही है, जैसे क्रेटा का भी डीजल का भी मैंने चला रखा है, वो भी लाइट सही है, तो स्टेयरिंग फील भी डिट्टो क्रेटा वाली है। तो फिलहाल मैं अब डाल रहा हूँ कार को स्पोर्ट्स मोड पे,
और अब देखते हैं कार कैसे भागती है। ऑब्वियसली बात है यार, कंफर्ट और इको में तो बिल्कुल ना दब दब के चल रही थी कार, बट इस टाइम पे जो कार ने पिकअप लिया है, मतलब जो जर्क फील हुआ है हमें डीजल इंजन का, वो बहुत ही लाजवाब था इस टाइम पे। मतलब मज़ा आया कार को फाइनली, मतलब मैं जब शुरू से चला रहा हूँ ना, बिल्कुल वो फील सी नहीं आ रही थी कि डीजल इंजन चला रहे, बहुत दब दब के कार चल रही थी भाई। ये है एयर प्योरीफायर, वही SX ऑप्शनल क्रेटा वाला डिटो सेम, बट जो ये चीज़ है इसे आप आईपैड होल्डर कह लो, चाहे कोई ट्रे वगैरह कह लो, इसके ना साइड में कप होल्डर भी है छोटा सा, ये मतलब अच्छी चीज़ है जो कि क्रेटा में नहीं है, फाइनली कुछ यूनिक चीज़। और इस पे ना आप मतलब जैसे कोई ट्रैवल करते हो बाहर बहुर, बुक्स वगैरह रख सकते हो, आईपैड वगैरह रख सकते हो, एंड टॉप मॉडल है तो ऑब्वियसली बात है भाई SX ऑप्शनल क्रेटा की तरह इसमें भी आएंगे बॉस के स्पीकर्स एंड सबवूफर वगैरह। तो भाई टेस्ट ड्राइव लेके तो आ चुके हैं और एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूंगा, मतलब कंक्लूड करता हूँ। आपने पिछली क्लिप्स में देख लिया होगा मैंने वॉइस ओवर दिया, क्योंकि साइड में बंदा बैठा था ना तो बातचीत से नहीं बनती, वॉइस ओवर दे देते हैं क्लिप्स में। और जो मुझे सबसे बढ़िया लगा ना, वो मुझे लगा उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। चार थीम थी बट अनफॉर्चुनेटली हम चंडीगढ़ में चला रहे थे, तो मैं कार चलाते चलाते यार रिकॉर्ड नहीं कर सकता, चंडीगढ़ में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया। बट हमने चलाई थी डीजल, और भाई एल्कज़ार का जो डीजल इंजन है ना सेम है, हाँ ऑटोमेटिक डीजल थी, और भाई एल्कज़ार का जो डीजल इंजन है ना सेम क्रेटा वाला है, 1.5 वाला, वरना क्रेटा सारा है वही मतलब, और जो पेट्रोल है वो 2.0 एलांट्रा वाला है। तो यार हमने डीजल चलाई, मुझे वो बातचीत मतलब लगी नहीं, आप खुद ही सोच लो क्रेटा उससे छोटी है व्हील बेस वगैरह, और वेट में भी कम है, और एल्कज़ार में भी वही दे रखे हैं इन्होंने, तो बातचीत सी तो आई नहीं, मतलब पंचीनेस सी फील नहीं हुई। बट उसमें जैसे वो ये ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह स्पोर्ट्स मोड वगैरह में हमने चलाई, उसमें बहुत ही मजा आया। मेरे भाई ने भी चलाई थी, भाई तेरा क्या कहना है, तुझे कैसी लगी? यार ऑटोमेटिक में तो अच्छी नहीं लगी, मैनुअल शायद अच्छी हो। हाँ जैसे वो था ना स्पोर्ट्स मोड में चलाए ना, उसमें वो था कि पंचीनेस सी फील हो रही थी, और वो है स्पोर्ट्स पहाड़ों पे कामयाब नहीं है वो गाड़ी। पहाड़ों पे तो यार अगर हम आपको ना सरल भाषा में बताएं ना, डीजल में बिकेगी सफारी, पेट्रोल में बिकेगी एल्कज़ार, क्योंकि पेट्रोल में सफारी है नहीं, और टाटा का इंजन पेट्रोल में आप सबको पता ही है ज्यादा बढ़िया रहता नहीं है। बट जो एक्सपीरियंस और ड्राइविंग एक्सपीरियंस वो यही था। अब वो है कि यार पेट्रोल अगर चलाएंगे, पेट्रोल का जब पता चलेगा, अभी तो पेट्रोल अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि मैंने ना सोचा तो यही था कि मैं पेट्रोल ही चलाऊंगा, बट पेट्रोल वो कहते हैं डिस्प्ले में है, टेस्ट ड्राइव के लिए डीजल ही अवेलेबल है। डीजल का मुझे पता था यार, क्रेटा वाला इंजन तो चला ही रखा था मैंने, बट ठीक है कार अच्छी है। वो ही है कि पीछे यार अगर तुम्हें पीछे बैठना है ना उसके लिए तो बढ़िया कार है, अगर तुम्हारे ड्राइवर ने चलाना है, पीछे की सीट रिक्लाइनर वगैरह बहुत ही अल्टीमेट है। और एक तो मास्क पहन के बोल रहा हूँ, थक गया भाई, सांस चढ़ेगी, अभी रेड लाइट आ रखी है तो मास्क उतार देते हैं। तो मैं कह रहा था कि पीछे ना मतलब रिक्लाइन वगैरह अच्छी हो जाती है, बट जो लास्ट रो है उधर तो है ही नहीं स्पेस, उधर बच्चे मुश्किल से बैठेंगे। तो यार यही था इस वीडियो में, अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें, आप एल्कज़ार का पेट्रोल वर्जन फिर भी आप सोच सकते हैं, बट डीजल तो मैं वो ही कहूंगा कि एल्कज़ार से अच्छा सफारी, मतलब सफारी यार एक नंबर है, बहुत ही बढ़िया लगती है मेरे को। आप अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताएं, जैसे आपको पता है अगली वीडियो में फिर जो सबसे बढ़िया कमेंट होगा उसे शाउट आउट मिलेगा, कि आपको एल्कज़ार पसंद है, सफारी पसंद है, एल्कज़ार का कौन सा फीचर पसंद है। देखा जाए ना स्क्रीन वगैरह सब सेम ही है वैसे एल्कज़ार के, मुझे वही लगा कि क्रेटा के ऊपर 2-3 फीचर एक्स्ट्रा दे दिए, 360 कैमरा वगैरह दे दिया, जो कि किया सेल्टोस के GT वर्जन में भी आता है। तो यार क्या ही कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही यूनिक सा लगा, मोस्ट यूनिक तो मुझे जो लगा। तो यस इस वीडियो को यहीं पे फाइनली हम कंक्लूड करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।